हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर सेवंथ एनसीआर हिस्ट्री वीडियो क्लास दिस इज योर सिक्स चैप्टर टाउंस ट्रेडर्स एंड टॉपर्स पार्ट टू इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट वेरियस टाउन्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स टेम्पल टाउन्स पिलग्रिम टाउंस एंड देन वी हैव स्टडीड द टैक्सेस डिफरेंट टैक्सेस लिविड ऑन द ट्रेडर्स ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ काइंड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ कैश दिस वॉज द सीन ऑफ मार्केट एंड टूडे विल स्टार्ट द टॉपिक ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल यानी कि अब हम ट्रेडिंग की बात करेंगे कि वहाँ पर उस समय में जब हम ये जिस सम टाइम पीरियड की हम सदर्न एरिया सदर्न जो एरिया है वहाँ की हमने बात की थी जो टेंपल सिटीज़ थी उनके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव जो था हमने चोला के समय जो एरिया था उसको हमने तंजावुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हमने स्टडी किया था सो वर मैनी काइंड ऑफ ट्रेडर्स दीज इंक्लूडेड दी बंजाराज बंजाराज भी जो हैं एक समय की एक तरह की जो है ट्रेडिंग कम्युनिटी थी ट्रेडर्स थे ये सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्म एसोसिएशन यानी कि जो अलग अलग ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी इन्होंने अपने अपने एसोसिएशन बना रखे थे ग्रुप बना रखे थे विद हेडमैन हु नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाव विद वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेज जैसे यहाँ पर हॉर्स ट्रेडर्स की बात की है तो इन्होंने जो एसोसिएशन बनाई थी इनमें एक हेडमैन होता था अब ये जो हेडमैन होता था तो वो जो भी घोड़े के ख़रीदार होते थे उनके साथ नेगोशिएट करता था नेगोशिएट यानी कि मोल भाव या बार्गेनिंग आप जिसे कहते हैं जैसे मार्केट में हम जाते हैं तो जो शॉपकीपर जो रेट बोलता है हम उसके साथ क्या करते हैं मोल भाव करते हैं नेगोशिएट करते हैं ना आ, हम बार्गेनिंग करते हैं उसको हम बार्गेनिंग कहेंगे कि कम रेट आप इसका करो तो इसी तरीके से जो इन एसोसिएशन के हेडमैन होते थे वो नेगोशिएट करते थे जो भी हॉर्स के ख़रीदार होते थे उनके साथ में ताकि उनको प्रॉपर रेट जो है वो मिल सके Since traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually travel in caravans and formed guilds to protect their interests. There were several such guilds in South India. अब देखो जब ये traders होते थे, हमने पढ़ा जो छोटे-छोटे markets होते थे, huts होती थी, यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं, वो भी आते थे trading के लिए, business के लिए, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बेचने के लिए खरीदने के लिए तो ये जो लोग आते थे इनको जो है उस समय बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट डेवलप नहीं था सड़कें नहीं बनी हुई थी घने जंगलों से होकर लोगों को निकलना पड़ता था तो जंगलों में से निकलना मतलब रिस्की काम होता था जानवरों का डर लुटेरों का डर तो इसलिए ये जो ट्रेवलर्स होते थे मेनली ग्रुप के अंदर जो इनका ग्रुप होता था इसको कहा जाता था कारवा कारवास में जो है ये मूव करते थे ताकि जो भी इनकी दिक्कतें हैं रस्ते की उनको सॉर्ट आउट किया जा सके ओके तो साउथ इंडिया में से बहुत सारे कारवास हैं जो गिर जिन्हें कहा जाता है वो हमें मिलते हैं फ्रॉम द एथ 8th century onwards the most famous being the Manigramam जो उस समय की जो मेड एट सेंचुरीज की बात करें तो वहां का जो फेमस गिल था वो कौन सा था मनीग्राम एंड नंदा देसी नाना देसी ठीक है दीस गिल्स ट्रेडिड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना अब ये जो हम पेनिंस्यूला की बात करें यानी कि ये जो हमारा जोन है जोन है जो सदर्न जोन है हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो जो साउथ ईस्ट एशिया है यानी कि ये वाला जो पोर्शन है सारा एशिया का पोर्शन है तो यहाँ हम लेके चलें या इधर इंडिया से ऊपर जब हम देखते हैं यहाँ पे चाइना वाला जो जोन है तो ये सब जगह जो है यहाँ

इसके अलावा आप देखो गुजराती ट्रेडर्स हैं जिनके अंदर हिंदू बनिए भी होते थे या मुस्लिम बोहराज हैं एक अलग अलग कमिटीज़ हैं वो इसमें इंक्लूड होती थी किसके अंदर जो गुजराती ट्रेडर्स होते थे उनके अंदर ओके तो ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद इन द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी जो रेड सी की हम बात करें अब जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे रेड सी है पर्सियन गल्फ़ है ईस्ट अफ्रीका है साउथ ईस्ट एशिया चाइना यानी कि इन सब जगहों से जो है ट्रेडिंग हुआ करती थी तो यहाँ पर आपके जो नेम दिए गए इनको ध्यान रखना है मणिग्राम और नाना देसी जो है ये साउथ के जो दो मेन गिल हैं इसके अलावा जो अगर आप देखोगे चेतिया और मारवाड़ी ओसवाल्स हैं गुजरात ट्रेडर्स जो है उनके अंदर जो है हिंदू बनियाज और मुस्लिम बोराज फेमस जो है ट्रेडिंग कम्यूनिटीज़ थी ग्रुप थे ओके okay. और कहाँ कहाँ इनकी ट्रेडिंग होती थी रेड सी के थ्रू अगर हम देखें तो पर्सियन गल्फ है ईस्ट अफ्रीका है साउथ ईस्ट एशिया चाइना इन सब एरिया से जो है ये बिजनेस करते थे ट्रेडिंग होती थी दे सोल टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेज इन दीज पोर्ट्स एंड इन एक्सचेंज ब्रॉड गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका एंड स्पाइस टीन चाइनीज़ ब्ल्यू पोटरी एंड सिल्वर फ्राम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना तो मेनली जो है ये क्या लेके जाते थे टेक्सटाइल और स्पाइसेस लेके जाते थे और बदले में क्या क्या चीज़ें लाते थे देखो गोल्ड है आइवरी है अफ्रीका से लेकर आते थे ये जो दूसरे तरह के मसाले हैं टिन है या चाइनीज़ ब्लू पॉटरी है या सिल्वर है ये कहाँ से लाते थे साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से ओके तो ट्रेडिंग यहाँ पर दिखाई गई जो छोटे बड़े ट्रेडर्स होते थे वो किस तरीके से किस रूट के थ्रू जाते थे और क्या क्या चीज़ों की ट्रेडिंग वो किया करते थे ओके द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब जो अरब कंट्रीज़ हैं जो ए, वेस्ट वाला रीज़न है जो हम गुजरात की जैसे हम बात करें तो इधर वाला जो जोन है यहाँ पर कौन सी जो अरब कंट्रीज़ हैं पर्शियन हैं चाइनीज भी जो है यहाँ से इधर आया करते थे जविश हैं सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स हैं ये सब लोग यहाँ पर आया करते थे यानी कि हम देख सकते कितना एक्सपेंड था ट्रेडिंग उस समय में भी इंडियन spices एंड क्लोथ सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट्स वर परचेज by Italian ट्रेडर्स एंड eventually रेज्ड European मार्केट जब आप आगे की क्लासेज में जाएंगे तो वहाँ ही सब चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो यूरोपियन मार्केट है वहाँ पर जो इंडियन टेक्सटाइल है या इंडियन स्पाइसेज हैं उनकी डिमांड कैसे बढ़ी जो इटालियन ट्रेडर्स हैं सबसे पहले उनके थ्रू जो है ये यूरोप के मार्केट में पहुंची जो लोग यहाँ पर आए थे जैसे टेक्सटाइल की आप बात करेंगे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता था और अल्टीमेटली इसको जो है Uh, क्या नाम दिया गया टेक्सटाइल है या uh, कॉटन फैक्ट्री है जो भी कपड़ा जो ट्रेड होता था तो जहाँ से उनको मिलता था उसी के नाम पर जैसे मुस्लिन नाम हम पढ़ते हैं है ना तो जो अरब कंट्रीज़ के जो लोग यहाँ पर आए थे जब वो यहाँ से लेकर गए तो उन्होंने इसको मुस्लिन नाम दिया इसी तरीके से जो uh, ये पारसी लोग यहाँ पर आए थे कैलिकट जो पोर्ट है वहाँ से इन्होंने लिया तो इसको uh, कैलिकट इन्होंने जो नाम दिया ठीक है कल की जो नाम इनको दिया तो इस तरीके से अलग अलग नाम वहाँ पर ये चले तो यूरोपियन मार्केट में जो इंडियन टेक्सटाइल है और जो स्पाइसेस हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी पैचिंग वेरी हाई प्रॉफिट स्पाइसेस ग्रो इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट अब कौन कौन से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सी ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशंस थी तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती थी जैसे पेपर है सिनेमन है नटमेग है ड्राइड जिंजर है पेपर जैसे आ, काली मिर्च की अब बात करते हैं सिनेमन दालचीनी है नटमेग जायफल जिसे हम कहते हैं और ड्राइड जिंजर जिसे आप सौंट कहते हैं सूगु अदरक है ना तो ये सब जो मसाले जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते थे बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग एंड कॉटन क्लोथ वॉज वेरी अट्रैक्टिव चुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया यानी कि इन सब चीजों की तरफ जो यूरोपियन ट्रेडर्स बहुत अट्रैक्ट हुए वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस यहाँ पर हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं आगे की क्लासेस में जो है आप इन सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं ओके okay, तो अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो ट्रेडिंग है वो डेवलप हो रही थी अब तो देखो यहाँ पर एक काबुल का एग्जाम्पल दिया गया है काबुल जो अफ़गानिस्तान इधर जो, जो जोन आ, ज, आ जाता है ना आज के समय का जो अफ़ग़ानिस्तान कह रहे हैं तो विद इट्स रग्ड माउंटेनस लैंडस्केप यहाँ का जो लैंडस्केप है इनके जो जियोग्राफी यहाँ पर पर्वत है रग्ड है मतलब उबड़ खाबड़ जमीन है बहुत ही ज़्यादा अगर हम कहें पहुंचने में दिक्कत वाला जो रास्ता है ठीक है बिकेम पॉलिटिकली एंड कमर्शियली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द सिक्सटीन सेंचुरी ऑनवर्ड्स यानी कि सिक्सटीन सेंचुरी ऑनवर्ड्स के ऑनवर्ड्स सिक्सटीन सेंचुरी के बाद जो अफगानिस्तान पॉलिटिकली हम देखें या इकोनॉमिकली देखें बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो गया था काबुल और कंधार वो लिंक्ड टू द सेलिब्रेटेड सिल्क रूट सिल्क रूट आपने पढ़ा है तो सिल्क रूट जो है वहाँ से ही कनेक्टेड था ठीक है क्योंकि हमने जब पढ़ा है जो कुशान किंग थे कुशान किंग्स किंग ने क्या किया था इधर की तरफ जब हम इंडिया की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं पर ये कुशान किंग थे और इंडस रिवर जो यहाँ से फ्लो करती थी तो इंडस रिवर के थ्रू जो है सिल्क रूट जो है वो यहाँ पर जो गुजरात के पोर्ट है रेबिनसी में जो पोर्ट है वहाँ से होता हुआ इधर बाकी के एरियाज में पहुँचना शुरू हो गया था तो कंधार और ये जो है ये क्या थे सिल्क रूट से कनेक्टेड थे बिसाइड्स ट्रेड इन हाउसेज वॉज प्राइमरली कैरीड ऑन थ्रू दिस रूट यानी कि घोड़ों का जो बिजनेस है वो भी यहाँ से बहुत किया जाता था इन द सेवनटीन सेंचुरी जीन बैप्टिस्ट रेवन्य डायमंड मर्चेंटीम एस्टिमेटेड दैट द होल स्टेडेड काबुल अमाउंटेड रुपीज थर्टी थाउजेंड एनुअली यानी कि उस समय में थर्टी थाउजेंड एनुअली इनकम होती थी घोड़ों के बिजनेस से विच वॉज अ यूज सम इन दोज डेज कैमल्स कैरेट ड्राई फ्रूट्स डेट्स कार्पेट सिल्क्स एंड इवन फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम काबुल टू दी सब कॉन्टिनेंटल एल्सवेयर यानी कि घोड़ों पर लाद कर ये जो सारा सामान है ले जाया जाता था स्लेव्स वर्स ऑल्सो ब्रॉट हेयर फोर्स यानी कि जो गुलाम होते थे वो भी यहाँ पर लाए जाते थे ठीक है तो काबुल जो है उस समय एक प्रोमनेंट सेंटर बना हुआ था इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से अब क्राफ्ट, हो गया था. क्राफ्ट परसन, बिदर की बात हम करें बिदर कहाँ है देखो सदर्न जोन में कर, के पास इधर की साइड जो है एक एरिया है बिदर यानी कि यहाँ के जो आर्ट है वो बहुत ज्यादा डेवलप है वर सो फेम्ड फॉर दियर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी

जो पंचाल थे या विश्वकर्मा थे इनके अंदर भी अगर हम देखें गोल्ड स्मिथ हैं ब्रोन्स स्मिथ हैं ब्लैक स्मिथ है। इन सब जो मेटल्स का काम करने वाले थे इन सब की प्रेजेंस बहुत जरूरी होती थी जब भी कोई मंदिर बनवाया जाता था या जा जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनवाई जाती थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होती थी वहाँ पर इन सब लोगों का होना ज़रूरी होता था क्योंकि ये सब अपने अपने तरीके से जो है उसकी सजावट का काम करते थे they also played an important role in the construction of palaces, big buildings, tanks and reservoirs. यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होती थी बिल्डिंग होती थी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो भी होती थी तो ये सब लोग मिलकर अपनी अपनी कलाकारी वहाँ पर दिखाते थे Similarly, रिवर we such as the सालियार and काइकोलार से हमने पढ़ी थी सालियार और कालारम्युनिटीज हैं साउथ की ही हैं emerged as prosperous communities, making donation to the temples. यानी कि ये धीरे धीरे जो है मंदिरों को donate करती थी यानी कि उस समय जो रिलीजियस बिलीफ थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे सम आस्पेक्ट्स ऑफ क्लोथ मेकिंग लाइफ कॉटन क्लीनिंग स्पिनिंग डाइंग बेकिंग स्पेशलाइज एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट यानी कि उस समय में ये सब चीज़ें धीरे धीरे एक क्राफ्ट के तौर पर डेवलप होने लगी थी ठीक है तो ये था जो टाउन होते थे वहाँ पर किस तरह की क्राफ्ट के काम जो होते थे धीरे को एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर एक इमेज के थ्रू आपको दिखे दिया गया है द चेंजिंग फोर्च्यून्स ऑफ टाउन्स अब धीरे धीरे जो टाउन्स थे वो कैसे उनमें बदलाव आ रहा था समाउंस लाइक अहमदाबाद अहमदाबाद कहाँ है आपका गुजरात में है वेन टॉन टू बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज बट अदर्स लाइक तंजावर श्रैंक इन साइज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सेंचुरीज यानी कि नए जो टाउन्स हैं वो इमर्ज होने लगे और जो पुराने इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी जैसे अहमदाबाद है अहमदाबाद एक प्रोमिनेंट सेंटर बन गया वहीं जो भी हमने पीछे थंजावुर के बारे में पढ़ा था वो धीरे धीरे उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम होने लगी इसी तरीके से जो मुर्शिदाबाद है वेस्ट बंगाल के अंदर जो भागीरथी नदी के किनारे पर है विच रोज टू तो प्रोमिनस एज अ सेंटर फॉर सिल्क एंड बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704 क्योंकि यहाँ पर पोर्ट्स हैं पोर्ट्स के थ्रू ट्रेडिंग बड़ी इजीली हो सकती थी है ना तो सिल्क रूट जो है नॉट सिल्क रूट यहाँ से सिल्क जो है लाने ले जाने का काम जो है बहुत इजीली हो पा रहा था तो इसलिए जो ये एरिया है कौन सा मुर्शिदाबाद एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया लेकिन तभी ये डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ द सेंचुरी एज द वीवर्स फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम चीप मील मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड तो अगर हम कॉटन की बात करें या सिल्क की बात करें तो उस तौर पर उस समय में यानी कि सेवनटीन में क्या था बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस बना हुआ था प्रोमनेंट इसको पोजिशन मिली हुई थी लेकिन धीरे धीरे जैसे कंपनी की पॉलिसीज आई कंपनी की पॉलिसीज ने इनको डिक्लाइन करना शुरू किया इनको एक्सप्लॉइड करना शुरू किया तो धीरे धीरे जो यहाँ का मार्केट था वो कंप्लीटली डाउन हो गया और जब जैसे इंग्लैंड में डेवलप होने लगा मार्केट तो यहाँ के जो टेक्सटाइल था उसकी डिमांड कम हो गई यानी कि एक समय में जो एक एरिया था वो डेवलप हो रहा था और काफी समय बाद काफी सालों बाद किन्हीं कारणों से वही एरिया जो है वो डिक्लाइन हो रहा था ठीक है सो द चेंजिंग फोर्शन ऑफ द टाउन यानी कि जो टाउन्स थे जो किसी समय में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते थे और कुछ समय बाद या काफी समय बाद काफी सालों बाद वो ही क्या हो जाते थे डिक्लाइन हो जाते थे ओके नाउ दिस टॉपिक हम पी मसूली सोरा दिस इज डिलीटेड दिस ईयर फ्रॉम योर सिलेबस सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट हेयर आई वेल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर ऑल दिस इफ़ यू वॉन्ट टू सी दैट रीड दैट यू कैन गो थ्रू द डैट वीडियो तो अभी हम इसको सीधे ही कंटिन्यू करते हैं आगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है मसोलीपट्टनम ये नहीं करना है हमें ओके न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स इन द सिक्सटी एंड सेवनटीन सेंचुरी यूरोपियन कंट्रीज़ वो सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया अभी हमने पढ़ा कि जो भी यूरोप और वेस्ट एशिया में जो चीज़ें डिमांड में आ रही थी कौन कौन सी मेनली हम बात करें स्पाइसेस की और टेक्सटाइल्स की तो इनको ये ढूंढ रही थी भी कहाँ से हमें ये चीज़ें और ज़्यादा बेहतर मिल सकती हैं तो जो इंग्लिश लोग थे डच थे फ्रेंच थे इन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और इस कंपनी को कमर्शल एक्टिविटीज़ के लिए ईस्ट की तरफ इन्होंने भेज दिया ठीक है इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मौला अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा ये दोनों जो थे उस समय में जो हम कहीं बात करें कि ट्रेडर्स थे ठीक है हु ओन अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स कम्पिटेड विद दम यानी कि शुरुआत में तो इन लोगों ने यानी कि इनका जो बेड़ा था जहाजी बेड़ा जो था इन लोगों ने इनको यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनको अंदर आने से ईस्ट की तरफ आने से इनकी ट्रेडिंग करने से रोका लेकिन धीरे धीरे जो यूरोपियन कंपनीज़ थी इनके पास नेवल पावर बहुत ज़्यादा थी तो जो भी सी ट्रेड था और उसके ऊपर इनका जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी का इनका कब्जा हो गया यानी कि इन्होंने इनको जो मौला अब्दुल गफूर थे या वीरजी वोरा थे इनका जो जहाजी बेड़ा था इसको वहाँ से हटा दिया सो फोर्स इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क एज देयर एजेंट्स और धीरे धीरे जो इंडियन ट्रेडर्स थे उन्होंने उनको अपने अंडर अपना एजेंट बना लें इनके वो अब उनके लिए काम करने लगे अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज एज अ मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट और धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो किसके लिए आई थी ट्रेडिंग के लिए लेकिन अपनी पॉलिसीज के थ्रू अपनी चलाकियों के थ्रू धीरे 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 ये क्या बन गई एक सुपर पावर बन गई हमारे इंडिया के अंदर सुपर पावर आप कह सकते हैं इन द सेंस कि कमर्शियली या पॉलिटिकली पावर जो इसने गेन कर ली ओके okay? कैसे गेन करी क्या कुछ प्रोसीजर था वो सब आप हायर क्लासेस में यानी कि जो आगे की क्लासेस आप उसमें पढ़ेंगे द स्पर्ट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स लेड टू ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग विविंग ब्लीचिंग डाइंग एट्सट्रा विथ मोर एंड मोर पीपल एंगेज इन ऑल दिज एक्टिविटीज़ यानी कि जैसे जैसे इस टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ रही थी कपड़े की डिमांड बढ़ रही थी तो इसी के साथ जुड़े हुए और काम थे जैसे स्पिनिंग यानी कि कपड़े को सूत काटना उसको बुनना उसको रंगना ठीक है तो ये सब जो काम थे इन सब काम में भी लोग जो है ज़्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे पे जब डिमांड बढ़ेगी तो ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ेगी लोगों की है ना तो इस तरीके से ये सब लोग भी जो है वो काम करने लगे इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन बिकेम इंक्रीजिंग इंक्रीजिंगली रिफाइंड दिस पीरियड ऑल्सो सो द डिक्लाइन इन द इंडिपेंडेंस ऑफ द क्राफ्ट पर्सन लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी धीरे धीरे उसने यहाँ की मार्केट पर भी क्या किया अपना कंट्रोल कर लिया शुरुआत में तो इन्होंने यहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन थे ट्रेडर्स थे उनको क्या दिया एडवांस का लालच दिया लेकिन एडवांस किस कंडीशन पर दिया इन्होंने यानी कि इन्होंने इनको एक तरीके से हम कह सकते हैं लोन दिया ये कह सकते हो आप ठीक है एडवांस पैसा दिया लेकिन कंडीशन ये रखी कि जो भी चीज़ें आप बनाओगे वो आप हमें ही दोगे ठीक है जब आप हमें ही दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ जो इनका लोन था इसके बदले में ही इनको ये सब चीज़ें देनी पड़ रही थी तो एक्स्ट्रा इनकम तो इनको कुछ नहीं हो रही थी और नेक्स्ट जो ऑर्डर इनको पूरा करने के लिए इनको और एडवांस लेना पड़ रहा था तो इस तरीके से धीरे धीरे जो थे डैप ट्रैप के अंदर फंसते चले यानी कि कर्ज के जाल के अंदर ये फंसते चले गए और धीरे धीरे जो यूरोपियन एजेंट्स थे इन्होंने कंप्लीटली इनको अपने अंडर में ले लिया और जब इनको जब तक इनको समझ में आया इन ट्रेडर्स को जो इंडियन ट्रेडर्स है जब तक इनको समझ में आया कि हम तो इसके अंदर बहुत बुरे फंस चुके हैं लेकिन तब तक इनके पास कुछ करने के लिए बचा ही नहीं था तो ये सारी स्टोरी जो है आप पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में ठीक है लेकिन अभी आपको सिर्फ एक जो है पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि, कि किस तरीके से इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया आई ट्रेडिंग के लिए और धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू उन्होंने पूरे मार्केट पर अपना कंट्रोल कर लिया ठीक है द एटीथ सेंचुरी आर द राइज ऑफ बॉम्बे कैलकता एंड मद्रास लेकिन फिर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो यूरोपियन मार्केट था वो पूरी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सप्लाईज में एंगेज हो गया तो धीरे धीरे इंडिया की जो मार्केट थी वो उसको फ्लरिश होने का दोबारा से मौका मिला और जब वो मौका मिला इनको तो फिर टाइम टू टाइम बॉम्बे में कैलकता में मद्रास में जो है नए सिटीज़ डेवलप हुए मतलब नए जो हैं ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर सेटअप हुई जो है नोडल सिटीज जो आज की हम कह रहे हैं तो ये उसी समय में जहाँ पर धीरे धीरे जो इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप होने लगी क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट्स एंड आर्टिस वर मूव इन टू दी ब्लैक टाउन एस्टैब्लिश बाई यूरोपियन कंपनीज विद इन दीज न्यू सिटीज़ यानी कि धीरे धीरे जो लोग हैं जो अब यहाँ से हमने देखा ना कि स्टार्टिंग में जो ट्रेडर्स थे या जो वर्कर्स थे जो हम स्पिनिंग विनोइंग इन सबसे जुड़े हुए जो लोग थे ये सब उस समय में क्या हो गए पहले तो एम्प्लॉयमेंट इनमें फैल गया लेकिन जब ये इंडस्ट्रीज दोबारा खुली तो इन सब लोगों को फिर से यहाँ पर आकर काम करने का मौका मिला द ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्टर कन्फाइंड हेयर वेल द वाइट रूलर्स ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेजिडेंट्स ऑफ फोर्थ सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्थ सेंट विलियम इन कैलकटा तो अब जब ये अब बता रहे हैं कि थोड़ा सा पिछला इन्होंने फिर से यहाँ पर सीन दिया है कि जब वाइट पर्सन थे वाइट लोग यानी कि इंग्लिश जो ब्रिटिश लोग जो थे इन्होंने तो अपने अपने आप को सुपीरियर शो किया यानी कि जो सुपीरियर रेजिडेंस ऑफ फोर्ट्स एंड जोर्स इन मद्रास फोर्ट सेंट विलियम इन कैलकटा मद्रास और कैलकटा में जो फोर्ट होते थे वहाँ पर इन्होंने अपना रेजिडेंस बनाया लेकिन इनके जो नेटिव लोग थे यानी कि इंडियंस जो थे जिनको इन्होंने ब्लैक्स कहा और क्राफ्ट पर्सन थे जो ये सब इनको आसपास जो है छोटे छोटे एरियाज में इनको डिवाइड कर दिया गया वहाँ पर इनको रहने के लिए दिया गया द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन द एटीन सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर ठीक है यानी कि आप अगली क्लास में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि पूरा सीन क्या था क्या स्टोरी थी

तो आज वीडियो को यहीं पोस्ट करते हैं आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड देर इज एनी डाउट यू कैन कीप मी पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन स्टे कनेक्टेड थैंक यू एंड यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ द क्वेश्चन आंसर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप थैंक यू